हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीटर सिबीगंज बरेली में। देखिए यहाँ पर आज का आपका टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक आपके लिए ले रहे हैं हम त्रिभुज के प्रकार तथा उनके परिमाप। तो हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और पूरी तरीके से आपको बताएंगे यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार क्या हैं और उनके लिए परिमाप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के प्रकार की। तो यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार तो यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार हैं, वो भी भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। तो यहाँ पर आपके लिए भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताना है। तो पहला प्रकार जो है वो है आपका विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। यह है विषम बाहु त्रिभुज। इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं स्कैलिन ट्रायंगल, स्कैलिन ट्रायंगल। इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये त्रिभुज आपके लिए सभी साइडें अलग अलग होती हैं। तो मैं बना के आपको दिखा देता हूं। जैसे एक ट्रायंगल है यहाँ पर एबीसी। क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है और इसके लिए विषम बाहु त्रिभुज है, इसलिए क्योंकि इसमें सभी साइडें अलग होंगी। तो यहाँ पर हम बना देते हैं ए सेंटीमीटर, इसमें भी ए सेंटीमीटर और यहाँ पर ए सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर आपके लिए बी मानना है, बी सेंटीमीटर और यहाँ सी सेंटीमीटर, तब ये कैसा हो जाएगा? तब ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि हर साइड यहाँ पर अलग है। जब हर साइड अलग है आपके लिए, तो ये आप देखेंगे कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो सिंपल है आपके लिए, यहाँ पर सभी साइडें अलग अलग होती हैं, यानी हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए जो डिस्टेंस होती है वो बराबर नहीं होती है, इसलिए हम इसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरा त्रिभुज होता है, वो होता है आपके लिए समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसके लिए कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये आपके लिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें दो साइडें साइड समान होती हैं, दो भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसमें दो साइड बराबर होंगी। कौन सी? अगर मान लिया इसके ए सेंटीमीटर है, इसकी ए सेंटीमीटर है और इसकी बी सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दो साइड बराबर हैं और एक साइड अलग है, तो हम इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद हम तीसरा ट्रायंगल लेते हैं। तीसरा ट्रायंगल का जो नाम है वो यहां पर आपके लिए बताते हैं, यहां पर समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश में कहते हैं यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको कहते हैं। और यह समबाहु त्रिभुज होता है आपके लिए। टी का मतलब ट्रायंगल है यहाँ पर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर सभी साइडें समान होती हैं, यहाँ पर इक्विलेटरल में, तो तीनों साइड्स यहाँ पर बराबर होंगी। यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर, तीनों साइड्स तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने आपके लिए तीनों प्रकार का त्रिभुज बताया। पहला विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें सभी साइडें अलग होंगी। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो साइड्स एक जैसी होंगी। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों साइड्स एक जैसी होंगी। अब बात करते हैं इनके परिमाप पर। तो हम आपके लिए बताते हैं कि परिमाप क्या होता है। ध्यान से देखिए यहां पर परिमाप। तो परिमाप हमने बताया था आपके पिछले वीडियो में भी, और यहां पर भी बता रहा हूं कि परिमाप का मतलब होता है चली गई दूरी। क्या होता है? चली गई दूरी होता है। यानी जब आप कोई भी दूरी चलोगे किसी भी फिगर में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल जो चली गई दूरी होगी आपके लिए परिमाप होगी। बात समझ गए? तो परिमाप होगी यहाँ पर। अब हम तीनों का परिमाप आपको निकाल के दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको सवाल भी करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला परिमाप देखिए, पहले फिगर के लिए, पहले त्रिभुज के लिए। पहला त्रिभुज हमने लिखा था विषम बाहु त्रिभुज। क्या लिखा था? विषम बाहु त्रिभुज।
पहला लिखा था हमने विषमबाहु त्रिभुज, है ना। विषमबाहु त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें, सभी साइडें अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग यहाँ पर सभी साइडें होती हैं, तो सभी को जोड़ लो। ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी, तो ए बी सी यही तो है, अलग अलग साइडें हैं, तो आप इसका निकाल लो। इसका परिमाप यानी पी ए सेंटीमीटर प्लस बी सेंटीमीटर प्लस सी सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइडें हमने जोड़ दी, इसका मतलब तीनों साइड जो है अलग अलग होंगी, तो आप लिख सकते हैं पी बराबर सभी भुजाओं का योग। क्या लिख सकते हैं? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग करना है आपके लिए, यानी तीनों साइड जो होंगे उनके लिए सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, यानी परिमाप आ जाएगा। किसके लिए? विषमबाहु के लिए, ठीक है। विषमबाहु के लिए यहाँ पर बात कर ली हमने कि विषमबाहु का जो यहाँ पर पूरा पेरीमीटर होगा यानी परिमाप होगा, वो सभी भुजाओं का योग होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे की, दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम यहाँ पर आपके लिए बताते हैं, दूसरा हमारा फिगर है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमने आपको बताया कि दो साइड्स इसमें एक जैसी होंगी, जैसे ए सेंटीमीटर ये है, ए सेंटीमीटर ये है और ये है बी सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ ए सेंटीमीटर है तो मैंने इसको जोड़ दिया, ये वाली बी सेंटीमीटर है तो मैंने इसको जोड़ दिया, ये वाली ए सेंटीमीटर है तो मैंने इसको जोड़ दिया। अब क्या आया देखो, ये ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर तो दो हो गए, दो ए हो गए, तो लिखेंगे दो ए सेंटीमीटर और प्लस बी सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके लिए बना लेना है पेरीमीटर का फार्मूला। दो ए सेंटीमीटर का मतलब दो गुणे समान भुजा, समान भुजा, दो गुणे समान भुजा, समान भुजा एक ही होगी तो दो गुणे समान भुजा और प्लस तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो ये आपका परिमाप हो जाएगा। इसके लिए कि दो भुजाएं एक सी होंगी तो इसलिए दो गुना हो गया, एक भुजा का और तीसरी भुजा जोड़ देंगे तो आपके लिए परिमाप आ जाएगा। अब ऐसे ही हम तीसरे का निकाल के आपको दिखाते हैं, तो तीसरे का जब हम निकालेंगे तो हमारे पास है अब आप समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, समबाहु में तीनों साइडें बराबर होंगी, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, तीनों साइडें जब बराबर होंगी तो यहाँ पर इसका परिमाप हो जाएगा ए सेंटीमीटर प्लस ए सेंटीमीटर प्लस ए सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ देंगे ए ए ए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन ए सेंटीमीटर, तीन ए सेंटीमीटर, यानी पी बराबर तीन गुणे, और ये ए सेंटीमीटर क्या है? भुजा है, तो ये भुजा है त्रिभुज की जो कि इक्वल है, तो यहां पर तीन गुणे भुजा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तीन गुणे भुजा। तो यहां पर आपने देखा कि हमने तीनों प्रकार के आपको त्रिभुज बता दिए और तीनों प्रकार से आपके लिए पेरीमीटर यानी परिमाप को बता दिया। अब बात करते हैं इसके सवाल की, तो सवाल हम आपके लिए करा रहे हैं, देखिए इन इन तीनों पर आधारित सवाल करा दे रहे हैं एक एक, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए सवाल कराएंगे, इन्हीं से रिलेटेड आपके लिए जो फिगर पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड सवाल कराएंगे। पहला सवाल हमारे यहाँ पर है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ध्यान से सुनना, ए बी सी आपके लिए त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसकी दो सेंटीमीटर है, इसकी तीन सेंटीमीटर है, इसकी पांच सेंटीमीटर भुजा है, तो आप ये बताइए कि कौन सा त्रिभुज है ये, तो सभी साइडें जब अलग हैं तो इसको कहेंगे भाई मेरे विषमबाहु। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और इसका जो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तो वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। तो हम लिख देते हैं सभी भुजाओं का योग दो सेंटीमीटर प्लस पांच सेंटीमीटर प्लस तीन सेंटीमीटर, तो आपके लिए यहां पर सबको जोड़ दो तो पांच दो यहां पर सात और तीन दस, दस सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, दस सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसी तरीके से हम यहां पर दूसरा सवाल ले लेते हैं, तो दूसरा सवाल यहां पर देखिए, एक सवाल हो गया आप ऐसे निकाल लोगे विषमबाहु त्रिभुज में, अब हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें मान लिया मैंने दो सेंटीमीटर है, इसमें मान लिया मैंने दो सेंटीमीटर है और ये मान लिया मैंने छह सेंटीमीटर है, ये है।
अब कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लिखना चाहिए। ये है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज और इसका फार्मूला होता है दो गुणे समान भुजा, समान भुजा और प्लस तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो यहां पर देखिए दो गुणे समान भुजा कौन सी है? तो दो है एक जैसी भुजाएं, तो गुणा कर दो दो से, क्योंकि यह समान भुजा कौन सी है? दो ही तो है और दो तो आगे लगा था। और प्लस तीसरी भुजा आपके लिए कितनी है? वो है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर लिख लिया। अब दो और दो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, तो आपके लिए कुल टोटल कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर इसका आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एक सवाल और बचा है आपके लिए, अगर समद्विबाहु होगा तो इस तरीके से आप समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पर परिमाप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमें लेना है त्रिभुज, जो लेना है आपके लिए वो पूरा समबाहु त्रिभुज लेना है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सभी साइडें इक्वल होंगी, यानी ए बी सी, तो सभी साइडें इक्वल होंगी। हम मान लें इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी भी 3 सेंटीमीटर। ये कैसा है? समबाहु त्रिभुज है और इसके लिए जो परिमाप होता है पी बराबर, वो होता है आपके लिए 3 गुणे भुजा। क्या होता है? 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों साइड एक जैसी होती हैं, जब तीनों को जोड़ोगे 3 गुणे भुजा, तो पी बराबर हो जाएगा 3 गुणे भुजा का मान है 3, तो 3 × 9 9 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में देखा कि हमने आपके लिए सभी प्रकार का ट्रायंगल बताया, सभी प्रकार का त्रिभुज बताया और उनका परिमाप इस वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उनका परिमाप किस तरीके से निकालते हैं और उनके सूत्र को भी कैसे बनाया जाता है। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।